बोलते ना आप लोग प्रतिक्रमण में, बोलना है करने कौन कौन करता है, कोई प्रतिक्रमण करते नहीं, बोलते हैं सिर्फ, बोलते एक बोलता सब सुनता। अभी जब मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे, ऐसा है प्रतिक्रमण में। या तो थोड़ा कभी कोई थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से सुनेगा, लेकिन प्रतिक्रमण कोई कॉन्सेंट्रेशन से सुना सुने ऐसी कोई बहु संभावना देखने में नहीं आती है। गया काल का प्रतिक्रमण, आवता काल का पचखा, संवर किसका? तो बैठे हुए अभी और कोई भी जगह पर प्रतिक्रमण में बैठे, समस्तरी प्रतिक्रमण चल रहा हो, लेकिन वर्तमान में प्रतिक्रमण में अपना मन है जो प्रवाह विचारों का, मन का, राग द्वेष का, उदय का, काल का, कैसा भाग रहा है, कैसा भाग रहा है। इसके साथ तालमेल बनाने के लिए जीवन व्यक्ति का समाप्त हो जाता है, लेकिन काल के साथ कभी किसी का तालमेल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हाँ, वर्तमान में जिए तो काल से ऊपर उठ जाता, तो काल का कुछ नहीं चलता। वर्तमान में जिए तो वो व्यक्ति पर काल की कोई असर नहीं होती, और भूतभावी में जिएगा तो काल उसको खा जाएगा। इसलिए काल को, समय को काल बोलते हैं। समय वो काल नहीं है, अपनी बेहोशी काल है। समय तो समय जा रहा है एक सरीखा सभी के लिए, लेकिन उसमें जो जाग जाता है और समय से ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति के लिए समय संवर हो जाता है। वर्तमान समय ओ संवर, वर्तमान समय ओ सामायिक, वर्तमान समय ओ आत्मा। वर्तमान समय में जो डूब जाए तो देव मंदिर में जो चेतन भगवान आत्मा है उसका अनुभव हो जावे। क्या करना या, लेकिन आपका मन में कभी करने का छूटेगा नहीं, क्यों? बेहोशी है। बेहोशी में कर्तापना का भाव होता हरदम, हर जीव को। जहां पर बेहोशी है वहां पर कर्तापना का भाव, तो कर्तापना का भाव है तो सारा संसार खड़ा है, छूटता नहीं, छोड़ेगा ही नहीं। संसार नहीं छूटता ऐसा नहीं है, व्यक्ति की बेहोशी से उसने उसको पकड़ा है, भ्रांति भ्रांति से पकड़ा है। संसार कभी किसी को नहीं पकड़ता, कोई वस्तु किसी को पकड़ता है? कोई भी चीज हो, चाहे इसी कीमती, आप रास्ता पर जा रहा है कोई इतना सुंदर बटवा आपने देखा, तो वो बटवा बोलेगा मुझे उठा ले, बोलता है? तो व्यक्ति क्यों उठाता है, क्यों उठाता, किस लिए उठाता? उसका है तो बेवसी, बेवसी में प्रकृति ने पकड़ लिया उसका मन को, लोभ ने, लोभ। लोभ और परिग्रह दो चीज अलग है, परिग्रह ने इकट्ठा करना जो आए हो, तो पांच इंद्री से जो पकड़ना बेवसी में सब परिग्रह, कैसे बचे? आप तो वस्तु को ही मानते हैं, ऐसी थूल चीज हो तो कोई हीरा मोती आपकी दृष्टि में आ गया, सोना आ गया, वो आप पकड़ते हैं। ये भी पकड़ा परिग्रह। कोई भी चीज पांच इंद्रियों से जो व्यक्ति जो पकड़ता है वो सब परिग्रह हो जाता, क्यों? बुद्ध तो है, अपना हो गया, उसको अपना बना दिया। वो चीज कभी अपनी होगी नहीं, होने वाली नहीं है, कभी नहीं होगी, वो उसका नाम है भ्रांति। तो भ्रांति होती है व्यक्ति को बेहोशी में, होश होता है, जितना व्यक्ति में होश होता है तो व्यक्ति सचमुच वस्तु छोड़ना नहीं होता है, छूट जाती है, क्यों? उसकी तो है नहीं, निश्चित हो गया, अनुभव से ख्याल आ गया कि एक चीज मेरी नहीं है तो क्यों रखना। इससे आगे बढ़कर ये शरीर भी, इस व्यक्ति बोलता नहीं शरीरों में, वो भी भ्रांति। भ्रांति तो कितनी सघन भ्रांति है, कितनी दृढ़,
काम जन्म जन्म से वही किया है, रटने का ही काम किया है, पकड़ने का ही काम किया, वो हुआ ही नहीं। और वो जहाँ तक नहीं होगा तहाँ तक ये छूट पकड़ना बंद होना संभवित नहीं, कभी संभवित नहीं। पकड़ेगा पकड़ेगा तो परिग्रह हो गया, खुद का मालिकी भाव बना लिया, तो मालिकी भाव बना दिया तो उसका हो गया, वो हो गया। लेकिन भ्रांति है, ये भ्रांति से ही जीव ऐसा चलता है। और ये भ्रांति तब मिटती है, उसकी भ्रांति मिटती है जब व्यक्ति भीतर से जागरण और साक्षी भाव में आगे चले तभी। बाकी कुछ तो गया काल का प्रतिक्रमण होता है वर्तमान में, तो किया हमने प्रतिक्रमण वर्तमान में? प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण बोलने की चीज नहीं है, प्रतिक्रमण करने की चीज है। लोग बोलते हैं कुछ पल्ले पड़ा, कुछ मिला, क्या क्यों नहीं मिला, क्यों कुछ नहीं आया, आना चाहिए ना तो क्यों नहीं आया? भीतर में जो अपनी चीज है वो बाहर आना चाहिए ना, तो क्यों नहीं आई? एक भी पत्त नहीं खुली। कभी भी व्यक्ति जीवन में परतों खोलने का समझा ही नहीं, परतों को बढ़ाने का ही मानता और परतों बढ़ा ही रहा है हर हालत में हर संयोग में। तो प्रतिक्रमण वर्तमान में होता है, वर्तमान में जो तो प्रतिक्रमण ही है। क्यों? वर्तमान में जो व्यक्ति जीता है उसको प्रतिक्रमण ही है, भूतकाल से तो उसका नाता और भावी में जाता नहीं, तो वर्तमान में है। तो वर्तमान में जो होगा तो बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो दोष कैसे लगेगा, दोष कैसे लगेगा? हाँ, भूत भावी में जीता वही दोष है, राग द्वेष वो दोष है, उसी से बचना है। राग द्वेष दोष है, भूत भावी वो आश्रव है, तो भूत भावी में तो भागता है बेहोशी से। होश जो प्रकट होता है तो वर्तमान ही होता है, वर्तमान होता है तो संवर ही संवर, बंद होता ही नहीं, आश्रव आता ही नहीं। भूतकाल का बंद हो गया, भावी का बंद हो गया, वर्तमान में जीता है, तो हमारा वर्तमान के साथ कोई नाता नहीं, उसके साथ अपना कोई संबंध हमने बनाया नहीं। हमारा संबंध है भूत भावी, भूत भावी, और भूत भावी में रहेगा तां तक जन्म मरण का चक्कर चलेगा, नहीं छूटेगा। छोड़ना है कि दुखों का कारण से मुक्त अपने को होना है तो हम वर्तमान में जिए। आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप मन से वाणी से शरीर से, तो दो ही होगा, शुभ और तीसरा तो होता ही नहीं। धर्म ये तीन से नहीं होता है, शुभ पुण्य है, अशुभ पाप रूप अवस्था है। तो धर्म क्या, धर्म का क्या काम? मुक्ति किसकी? दुखों का कारण, दुख नहीं, इन दुखों का कारण मिट जाता है, इन दुखों का कारण धर्म मिटा सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं मिटा सकता, उसका नाम है धर्म। तो हम वर्तमान में जीव, फिर देखो क्या होता है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का सीख गया उसका सब भूत भावी से मुक्ति, और वर्तमान में जो समय ने आत्मा, निश्चय से समय ने आत्मा हो जाता है, समय ने समय सार, कुंद कुंद आचार्य रचित है समय सार, नव तत्व ही है उसमें, दूसरा कुछ नहीं है। समय सार क्या है? नव तत्व, उसमें जीव का विश्लेषण है। छह द्रव्य, नव तत्व ने क्या, छह द्रव्य, छह द्रव्य का इतना विशद विश्लेषण है व्यवहार और निश्चय से। निश्चय प्रधान ग्रंथ है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्यों? लोगों ज्यादा से ज्यादा व्यवहार प्रधान जीव हो, तो व्यवहार प्रधान जीव हो वो पढ़ेगा छोड़ देगा, वो बोले कि ये काम का नहीं है, अपने लिए ये काम नहीं है, तो बोलेगा कि अपने से नहीं होता, तेरे से कब होगा? तो समय, वर्तमान समय हमारी आत्मा का अनुभव हमको कब होगा करना है, फिलहाल निश्चित करो। आत्मा का अनुभव करना है कि बैठा रहना है, कि जो अपने सेट हो गया वो चल बराबर है? हर व्यक्ति की मर्जी की बात है, हर व्यक्ति अपना मन क्या बोलता है,
सेट हो गया उसमें रहना है ना। देखो बेताला जी सभी के बाबत में बोल देता है कि सभी को सेट हो गया उसमें रहना, उसी से बाहर आना नहीं। हकीकत ऐसी है, ऐसा है, जो जो व्यक्ति जो जो क्षेत्र में सेट हो गया उसी से बाहर आना वो कभी तकलीफ लगती है। विभाव से बाहर आना व्यक्ति को तकलीफ लगती है, आश्रय से बाहर आना व्यक्ति को मुश्किल ही लगती है, पाप से बचना व्यक्ति को बहुत भारी लगता है। कैसा है अपनी बेहोशी, कैसी चल रही है, और ये बेहोशी जहाँ तक ऐसी रहेगी तहाँ तक व्यक्ति कैसे स्वभाव और धर्म तक पहुँचेगा, कैसे धर्म होगा। ये धर्म अपने मान्यता वो भी धर्म नहीं है, वर्तमान में जो तो समय सार, समय का सार, समय का सार निचोड़ना है। जो व्यक्ति नहीं जागेगा, व्यक्ति होश प्रकट नहीं होगा और व्यक्ति में साक्षी भाव नहीं आएगा तो व्यक्ति को काल निचोड़ देगा, फेंक देगा काल। होता नहीं बुढ़ापा जाता है, क्या कर सकता है, बचपन कैसा, युवानी कैसी, बुढ़ापा कैसा। बुढ़ापा में क्या होता है, इच्छा तो बहुत होती भागने की, लेकिन शरीर का सहयोग नहीं है। शरीर बोला के, मन बोलता कि भागना है, नहीं शरीर बोले के कैसे भागे, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो हिल नहीं सकता, कैसे भागे। लेकिन सोया सोया भी मन भागता है, मन सोता नहीं, भागता। तो व्यक्ति को, जो व्यक्ति नहीं जागेगा, वर्तमान में नहीं जिएगा, तो समय उसको निचोड़ देगा, उसका रस कस निकाल कर फेंक देगा, लोगों को जला देगा। जमाई पूरा होता है तो क्या हाल होता है, कोई भी व्यक्ति हो, समय वर्तमान में नहीं जिया, जीवन भर भागा, भूत भावी, तो फिर समय निचोड़ दिया, कस निकाल दिया, और सब के लिए सब कुछ किया, लेकिन खुद खुद को भूल गया, क्या पाया, क्या उपलब्धि, क्या हुआ। ऐसे ऐसे एक एक जन्म अपना पसार हो गया, जैसे गन्ना शेरड़ी को निचोड़ता है, रस निकालते न, रास्ता पर देखते न, कितना बोध होता है। लेकिन आप देखते हैं ये निचोड़ता है, उसमें बोध है, हर चीजों में बोध है, जो देखना व्यक्ति सीख गया तो, पकड़े नहीं तो, पकड़े नहीं तो बोध होता, पकड़े तो ऐसा होना है, यहाँ बैठा बैठा कंपेयर, खड़ा खड़ा कंपेयर करने लग जावे तो। लेकिन कोई देखता ही नहीं, दो चार खड़ा है भाई के भाई, वो बातें करता, वो तैयार कर कर देता, तो बातें करते करते खड़े खड़े पी लेता है, गला छोड़ कर भाग जाता है। देखता है कोई कि कैसे वो प्रक्रिया है, वो कैसे निकालता है, वो कैसे होता है, कौन देखता है, कैसा निचोड़ता है। लेकर ऐसे एक दफा, दो दफा, तीन दफा, ऐसे ऐसे कर कर घुमा कर उसको डाल देता है, उसमें कोई रस का एक बूंद रहना नहीं चाहिए। फिर क्या करता है, रस निकाल दिया, फिर क्या हो गया, जब रस नहीं निकाला तहाँ तक वो व्यक्ति उसको कैसे संभालता था, कैसे रखता था, और रस निकाल दिया फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, खुद से हुआ ना, खुद ने लिया रस निकाला फिर उसके हाथ में आया ना, तो वो व्यक्ति गिलास भर लिया, फिर वो रस जो बचा पीछे उसको क्या करेगा, निचोड़ लिया, फिर किया उसकी हालत। ऐसे जीवन है, वर्तमान में नहीं जिएगा तो काल उसको निचोड़ देगा, काल निचोड़ देगा, काल की ताकत है, काल द्रव्य स्वतंत्र है, छह द्रव्य में काल एक स्वतंत्र है, द्रव्य बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सब सब जगह पर शक्तिशाली है, लेकिन सर्वोपरि तो आत्मा ही है। जो सर्वोपरि इसलिए है कि सब खुद को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, ये छह द्रव्य का क्या स्वभाव है वो जानता है आत्मा, काल को मालूम नहीं है। धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश काल, पुद्गल को कुछ मालूम नहीं हो तो जड़ है, एक चेतन है, ये चेतन को मालूम है, और चेतन में जो रस भरा है वो जो हम नहीं जागे तो काल निचोड़ देगा, सचमुच निकाल देगा, सब कोई चीज नहीं रह देगा, फेंक देगा, कहाँ चला जाएगा, वो व्यक्ति को खुद को भी
खबर नहीं है कहाँ जाना, कहाँ जाना। ये मनुष्यत्व प्रकट करने के लिए मनुष्यत्व जन्म मिला है, शरीर सुंदर, इतना मन सरस, बुद्धि भी इतनी तेज प्रखर, तर्क करने के लिए इधर से उधर, इधर से होता नहीं कुछ, तर्क ही करती है बुद्धि। तो वो काम अपने इतना सुंदर साधनों मिला है, तो वो साधनों के माध्यम से हमको मनुष्यत्व प्राप्त करना है। ये प्राप्त हो गया तो ये मनुष्य जन्म अपने के लिए कितना सुंदर होगा, कितना सर्वोपरि होगा। जो अनंत काल में जो हमने हमारा काम नहीं किया है, एक काम अभी यहाँ पर वर्तमान में हो सकता है। अनंत काल में नहीं हुआ तो अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, जागेगा तो हुआ और नहीं जागेगा तो कभी नहीं होगा, होगा तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हम वर्तमान में जो जागेगा तो अपना काम सचमुच होगा, और जो नहीं जागेगा तो काल उसको निचोड़ देगा, फेंक देगा, खत्म कर देगा, कुच्चा, ऐसा है। तो काल समय इतना सामर्थ्य है, तो वर्तमान में जो हम जिए तो हमारा हमारा काम वो है कि काल से ऊपर उठ जाता है। तो काल उसको सहयोग देता है, अपने भीतर इतना रस है, इतना रस है, लेकिन ये बुद्ध भावी में रहने से अपना सारा रस हमने सुखा दिया, सूख गया है, कभी एक बूंद भी चखा नहीं, तो कैसे ये मनुष्यत्व प्राप्त होगा। ये मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपने भीतर जैसे अपने को रस है, पांच इंद्रियों मन और बुद्धि माँ, किस में रस है, कौन सी प्रवृत्ति में रस है, वहाँ पर व्यक्ति कुछ देखता है, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बारिश हो, लेकिन रस हो तो भागता है, कोई भी माध्यम से चला जाता है। रस हो तो, और रस न हो तो बोलता है कि बारिश बहुत है, नहीं जाना है। क्या यहाँ अंतराय आ गई, भाइयों को अंतराय आ जाती है, भाइयों को भी आती है, हे व्यक्ति का बेहोशी की अवस्था, और बोलता है कि अंतराय आ गई। कैसा अर्थ घटन, निश्चित है कि हम सुने किसी की भी बात, लेकिन अर्थ घटन अपना वर्तमान में अपने को सेट होगा, ऐसा होगा। शब्द शास्त्र का अर्थ अपना, कभी अपना काम होने वाला नहीं है, कभी बार नहीं आएगा, अपने जैसे सेट होता है ऐसा उसका अर्थ घटन लगा देते। देखो ना प्रतिक्रमण, देखो कैसा करते हैं, हमारी इच्छा के मुताबिक सब कुछ चलता है, धर्म भी कर्म भी सब कुछ, लेकिन इच्छा ही कर्म है। कैसे बचे, बचाने वाली कोई भी चीज हो अपने को, ये जागरण है। जागरण के सिवाय कोई जीव कभी बच सके ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अपने भीतर हुआ शान सुधारस भरा है, वो हमने सुखा दिया बुद्ध भाव में जीने से। जो वर्तमान में जिए तो बाहर भरा है, छला छल भरा है, इतना भरा है। तो एक दफा उसको ये अनुभव हो गया तो सब कुछ फिक्के हो जाए। एक भी चीज वासना क्या बोले, संगना क्या बोले, ये परिग्रह, ईगो, अपनी जितनी जितनी नेगेटिव प्रकृतियां हैं, वो सब प्रकृतियां एक दफा जो ये शांत सुधा रस व्यक्ति ने चख लिया तो ये सब चीज छूट जाएगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्यों छूट जाएगी, भ्रांति मिट गई, दूसरा भ्रांति मिट गई, फिर दूसरा क्या, ये शांत सुदरसमान जो सुख मिला, ऐसा सुख जगत में कोई व्यक्ति में, विजाति में, सजाति में, किसी में ऐसा सुख नहीं है, ऐसा उसको अनुभव हो गया। अनुभव होता तो पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात, लिखी लिखाई बात, और सब बाजू में चली जाती। अनुभव हो गया, जिसको अनुभव हो गया इस शांत सुधा रस का, तो व्यक्ति बदल जाती है। और व्यक्ति कैसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, कैसी दिव्य, कैसी भव्य हो जाती है। लेकिन ये तो सब अपनी कैसी अवस्था है प्रकृतियों की, और कैसी कैसी प्रकृति के अनुरूप व्यक्ति भागता है, तो कितना परेशान होता है व्यक्ति, खुद को खबर नहीं। तो ये शांत सुधा रस एक दफा जो व्यक्ति को मिल गया, मिलता है, सभी के पास है, हर व्यक्ति के पास वो भरा छला छल, सिर्फ उसके
ढंकन खोलना है, खोला कब खोलना है? बुढ़ापा आ गया, सुनाई नहीं देता है, देखना नहीं होता है, चलना नहीं होता है, बैठ नहीं सकता है, कैसे खोलेगा? शरीर बुढ़ा हो गया, शरीर सहयोग नहीं देता है। तो लक्ष्य है शरीर का, आत्मा का नहीं। और जो स्वरूप का लक्ष्य होता तो शरीर भी सहयोग देता है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है, जीवन भर घुटा है राग द्वेष आर्त रुद्र ध्यान। रुचि है उदय भाव की, उदय भाव में एक रूप व्यक्ति हो गया, इसलिए स्वभाव की रुचि नहीं है। और स्वभाव की रुचि नहीं तो उसकी ओर कैसे चलेगा, वो कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा? जो सुख निजी सुख स्वयं का सुख वो व्यक्ति को जब अनुभव में आ गया तब इंद्रों क्या चक्रवर्तियों क्या था। इसलिए तो ज्ञानी के पास वो लोग भी आते हैं, क्यों? उसके पास बाहर का सब वैभव है, आत्मा की चीज नहीं है, इसलिए वो कैसे प्राप्त हो, वो प्राप्त करने के लिए वो इंद्रो चक्रवर्ती सम्राट उसका चरण चूमता। उसके पास जो है अनुभव में आया है पूर्ण, वो जब मिल जाता है तो व्यक्ति सचमुच भीतर से एक बूंद मिल जाता तो ही बदल जाता। तो सर्वांगी जो शांत सुधारस जिसने जो कुंभ भरा है वो सारा पी लिया तो पूछना ही क्या होता, तो व्यक्ति का ठिकाना नहीं रहता है। व्यक्ति सर्वांगी सर्व प्रकार से निसंग हो जाता है, कोई उसके साथ उसको कोई छू नहीं सकता, बाहर की कोई चीज उसको छू नहीं सकती है, ऐसी है वो अवस्था। लेकिन हमारी बीमारी नहीं मिलती, मोह बीमारी है, राग द्वेष बीमारी, राग द्वेष रोग है, राग द्वेष रोग है। अपना मन को कितना बीमार बना दिया है, अपना मन राग द्वेष से, राग द्वेष बीमारी है, रोग है, राग द्वेष रोग है, तो अपना मन को कैसा बना दिया है, अपना मन में क्या चलता है राग द्वेष के हिसाब से। मन से नहीं होता है, मन तो जड़ है, ये चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें नहीं होता तो कौन पकड़ता है, ये पकड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, जो ऊर्जा है वो पकड़ता है, कोई जड़ नहीं पकड़ता, जड़ से कुछ नहीं होता है, जड़ कुछ नहीं कर सकता है, तो माध्यम है, ये माध्यम है ना, ये खड़ा है वो सुनता है, जो रोज सुने तो उसको पहला बोध हो जाना है आपको होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे जो हम उसकी तरह हम जो जिएंगे तो हमको भी बोध नहीं होगा, जड़ जैसा हो गया तो कैसे बोध होगा। और मूर्छित अवस्था में बेहोशी में जड़ जैसा है, चेतना जड़ होगी, अंदर ठंडनाट तरबराट वो तो है ही नहीं। हाँ, प्रकृति जब सिर पर चढ़ जाती है, प्रकृति जब पकड़ लेती है तब कोई पकड़े तो पकड़ा नहीं जाता, तब ऐसा हो जाता, उसके बिना तो व्यक्ति कैसी मूर्छित अवस्था में बैठा है, कैसा काम कर रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा सुन रहा है, कैसी उसकी हालत है। और वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था को व्यक्ति को बराबर जो समझना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में काम करना है, और वर्तमान में जो काम करेगा तो सचमुच वो आत्मा का सचमुच कल्याण, अपना कल्याण अपने से रुक गया है। और जो हम नहीं जागेंगे तो ये कल्याण कभी अपना होना ये कभी संभवित नहीं है। तो हमको हमारा काम करना है, हमारा काम करने के लिए हम वर्तमान में जिए, दूसरों की ओर नहीं देखे, हम हमारा देखे, हमारी ओर देखे, हमारी भीतर देखे कि क्या अपने भीतर चल रहा है, कैसा होता है, कैसा होता है। सुनने से दूसरा आया तो दूसरे की ओर देखने लग जाता है, इतनी अपनी विषमता है, ये विषमता है, ये चंचलता है, अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। और अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो व्यक्ति क्या सुनेगा, क्या करेगा काम, इससे जीवन पसार हो जाएगा। मानेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। ऐसी अवस्था जहाँ तक अब इसे मैं बोलता हूँ, ध्यान में तो आँख खोल कर देख लेता है क्या, तो अभी तक उसने देखा तो उसको ऐसा नहीं आया कि मैंने बहुत देख लिया, अभी तो एक घंटा तो मुझे आंख बंद कर बैठना है, तो मैं क्यों आंख खोलता हूँ, क्यों खोल देता है, तो क्या देखना है उसको, क्या बाकी रह गया। तो निश्चिंत ने कोई आया, आवाज़ आया तो कोई आया व्यक्ति, तो व्यक्ति को देखना है कि तुमको देखना है, तुमको किसको देखना है, तो हम तो दूसरों को देखते हैं। देखो ये विभाव, ये आश्रव कहाँ से आते, ये आश्रव है,
वर्तमान में जियो तो सब कनेक्शन कट, लेकिन वर्तमान में जिए 24 घंटा में 5 क्षण व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता है, बोधि होवे कैसे, मनुष्यत्व प्रकट होवे कैसे, आप कुछ भी करो, लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो मुक्ति ही मुक्ति, कल्याण ही कल्याण, कोई उसको नहीं रोक सकता है, बाहर की कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति उसको कुछ नहीं कर सकता, ऐसी अपने पास शक्ति है, लेकिन व्यक्ति ये सारी शक्ति बाहर में खर्चा कर रहा है, बाहर में शक्ति फेंक रहा है, तो ये शक्ति जहाँ तक अपनी बाहर में रहेगी चलेगी, तहाँ तक अपना काम निजी काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो बुद्ध उपकार, कैसा उपकार है, बहुत समय से 5 मित्रों साथ में रहता था, लेकिन बुद्ध की ऐसी अवस्था देख कर वो पांचों ने छोड़ दिया, अपना ऐसा है, अपनी भीतर ऐसा चलता, हमारी मान्यता के मुताबिक सामने वाली व्यक्ति नहीं होती तो हम छोड़ देते, हमारी मान्यता के मुताबिक जो संत रहता है तो उसको हम वंदन करते हैं, और जो हमारी मान्यता के मुताबिक नहीं होता तो बोलता कि वो शिथिलाचारी हो गया, ऐसा है। परमात्मा को भी हमारी मान्यता के मुताबिक परमात्मा हो तो हम वंदन करेंगे, नहीं तो परमात्मा को भी हमको जरूरत, तो तुम किसको वंदन करता है, तुम किसको पूछता है, तुम किसको मानते, तुम्हारी मान्यता को मानते हो, तुम ज्ञानी को नहीं पहचान पाएंगे। जहाँ तक तुम्हारी भीतर में ऐसी ऐसी मान्यता वो रहेगी, तहाँ तक व्यक्ति का कल्याण होना कभी संभवित नहीं। अपनी मान्यता दूसरों पर हम थोप देना मांगते, कैसा है, कैसा है, कैसी कैसी अपनी हालत है, और ऐसी रुग्णता, ऐसी बीमारी व्यक्ति में कितनी भरी है, वो बीमारी से बाहर कभी निकलेगा, कब आएगा बाहर, ये वर्तमान में जिए तो एक काम हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए व्यक्ति कभी तैयार हुआ नहीं, काम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बुद्ध जिसका मेरी पर उपकार है, साथ में वर्षों तक रहा, बहुत मुझे उपयोगी हुआ है, उसका ऋण है तो उसका ऋण मुझे उऋण होना है, ऋण से मुक्त होना है, तो उसको उपदेश करना पहला, जो मुझे मिला है। देखो ज्ञानी जब साधना करते हैं जंगल में जाकर एक किला, और पूर्ण होता है तो लोगों के बीच में आता है कोई लेने वाला और लुटाता है, और स्वार्थी नहीं है, निष्काम करुणा है, ज्ञानियों की वितराग करुणा, निष्काम करुणा है, और कोई भी क्यों उसके ज्ञान में सब जीव दुखी देखने माता। आपकी व्याख्या सुख की अलग है, ज्ञानी की अलग है, लेकिन हम मानते हैं जो कुछ और करते हैं कुछ, कैसे काम अपना चलेगा, कैसे अपना जीवन सार्थक सफल होगा, अपना जीवन सार्थक सफल बनाना हो तो हमको वर्तमान काम करना है। पहुंचा गया, निश्चित किया था कि उठना नहीं, कुछ करना नहीं, उठ गया, हाथ जुड़ गया और आसन भी दे दिया, बैठ गया, आसन पर बैठ गया, फिर सामने बैठ गया वो लोग, जो बोलता था, वो जो काम करता था, वो देखा तो उसको निश्चित हो गया कि सचमुच गौतम सिद्धार्थ बदल गया है, भीतर से बदल गया। कैसा बदला था, ये क्या हो गया, उसने क्या पाया, क्या मिला उसको, वो क्या बात अभी कर रहा है, ऐसी सुंदर बात तो अभी तक उसके मुंह से कभी हमने सुनी नहीं थी, एक ऐसी बात है, उसके जीवन की अनुभूति, अनुभूति का अमृत सामने बह रहा था, वो पांचों पांच भीतर में बदलाव होना शुरू हो गया। देखो समय थोड़ा लगता है, जब व्यक्ति जागता है, जब जिज्ञासा भीतर में प्रकट होती है, तब व्यक्ति कभी भी वहां लेट नहीं है, एक क्षण के लिए भी कोई रुकता नहीं, और कोई रुक नहीं सकता, अपना परिणाम को कौन रुक सकता है,
हाँ, कोई आपको जाना हो, गेट बंद हो तो आप रुक गए, लोग है क्या करेगा, बेल मारेगा, नहीं खोला क्या करेगा, रुक गया। कौन रुक गया? शरीर। मन को भी कोई नहीं रोक सकता है, भाव को कोई नहीं रोक सकता है, तो चेतना को कौन रोक सकता है? इसलिए शरीर कोई भी हालत में हो, कोई भी जगह पर हो, कोई भी कमरा में हो, एयर टाइट में हो, तो भी आयुष पूरा होता, निकल जाता, मालूम होता है कहाँ से गया। पास में खड़ा है लोग, स्वजन परिजन का भी होता है, तो मालूम होता है कि उसका जीव कहाँ से पसार हो गया, कहाँ से निकल गया। कोई आंख खुली रह जाती तो बोलता कि आंख से गया, कोई मुंह खुला रह जाता तो बोलते कि मुंह से निकला। ऐसा नहीं है, कहाँ से निकला सर आत्मा? ये शरीर, शरीर नक्षिक आत्मा व्यापक है, तो कहाँ से निकलता है? ये नक्षिक शरीर में आत्मा व्यापक है, जब दूसरी गति में प्रयाण करना है, तब जब जो जीव ने आयु का बंद किया हो, जो गति का, ये गति आश्रित शरीर में एक पैर से कमर तक नरक, एक पैर से कमर तक की जगह पर से आत्मा जो पसा निकल जाती है, तो वो जीव नरक का आयु बांधा तो नरक में चला जाता। कमर के जो भाग है ऊपर का, वो सब तिर्यंच का है, उदर का भाग है जो मनुष्य का है, उदर के ऊपर जो सिर तक जो भाग है शरीर का, वो है देवलोक। फिर भवनपति व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक और सहस्त्रार्थ से जो निकलता है तो सर्वार्थ सिद्ध महाभिमान में। सिर की बीचों बीच एक कमल है, एक नाभिक कमल है, एक हृदय कमल है, तो सिर की बीचों बीच कमल है वो अपने को महसूस होता है। इस शरीर में है, नाभि में है, हृदय में है और सिर पर। सहस्त्रार्थ उसको बोलता, सहस्त्रार्थ मीनिंग सहस्त्र, 1,000 पंखुड़ी का कमल अपने सिर में है। हाँ, टेंशन तनाव में जीता है, धोखाबाजी करता है, उसको क्या अनुभव होता है? तो जब सहस्त्रार्थ से निकलता है तो वो सर्वासिद्ध विमान तक पहुंच जाता है, ऐसे जीव निकलता है। ये नियम है, वगर बनाया कि हर जीवों के लिए नियम लागू होता है। तो जी ऐसे ऐसे आयु का बंद किसका हुआ, कहाँ का हुआ, वहां से वो जीव निकल जाए। आप कुछ भी मानते हो, आप कुछ भी समझते हो, लेकिन एक क्षण में वो सब आत्मा का प्रदेश हो इकट्ठा हो जाता है, वहां से निकल जाता है। कोई नहीं देख सकता है, खड़े वाला भी नहीं देख सकता, कोई खुद को भी मालूम नहीं होता है कि हाँ, जिसके पास ज्ञान है उसको मालूम होता है। तो जिससे मालूम होता है अपना, वो काम करने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं हुई। जिज्ञासा है कि कहाँ जाना है, हर व्यक्ति खुद का भविष्य कैसा है वो जानना मांगता है और बहुत बहुत भाव रखता है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसे होगा, वो सब बोलता है, आप मान लेते हैं। उसको भी एक गणित है, गणित के हिसाब से वो बात करता है, थोड़ी ठीक होती है, लेकिन सर्वांगी सुंदर कभी नहीं होती। सर्वांगी तो परम ज्ञान जो है उसी से होता है। तो उपकार जिसका है, उपकार का ऋण अदा कर देना, ऋण से मुक्त होना। बुद्ध से ज्ञानी, बुद्धत्व प्राप्त हो गया, ज्ञान, शरीर बदल जाता है, सब बदल जाता है, तीन योग बदल जाता है। जब बुद्धत्व को प्राप्त होता है, कोई भी ज्ञान को प्राप्त होता है, आपने देखा है प्रतिमा को, क्या देखा है? देखना हो तो देखता, नहीं देखना देखता है तो कैसे काम होता? तीर्थंकरों की, बुद्ध की जो प्रतिमा है उसके ऊपर उपस जाता है, ऐसे 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 पिरामिड जैसा देखा है, जो बनाने वाला शिल्पी है उसको भी थोड़ा खबर है कि जब ज्ञान होता है तब क्या होता है, पर अलग 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 पिरामिड जैसा हो जाता है। क्यों? प्रतिमा को अपने जैसे शरीर का ये होता है वो नहीं होता है, क्यों? क्या देखा, क्या अर्चन पूजन किया, अपने जैसे होता है ना।
इस शरीर को यहाँ ऐसे करो तो यहाँ उपज जाता है, और पहलवानों को तो कैसा होता है, पहलवान लोग को होता तो इतना इतना झाड़ा हो जाता, और ऐसा क्यों है, क्या देखा, क्या देख रहे हो, एक प्रतिमा शिल्पी ने बनाया है कैसी, उसकी कल्पना से बनाया, लेकिन उसने बहुत बहुत चीजों देखने की है, लेकिन हम देखते नहीं, हमारा अवलोकन कभी सही अर्थ में हुआ ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा, ऐसे चलता है, सारा शरीर बदल जाता है, परमाणु बदल जाता है, और ऐसा ही परमाणु इतना होता तो ऐसा एक शरीर का निर्माण होता है, दूसरा नहीं होता है, ऐसे मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र की रचना किया है, उसमें उसने दिखाया है 22वां श्लोक में, त्रिहां शतानि शतसो जनयंति पुत्रा नान्य सुतंग तदुवमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररत्न प्राच्येव दीप जनयंति सुरदंश जाल। क्या है, त्रिणां शतानि शतसो जनयंति पुत्रा, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों स्त्रियों जन्म देती है बेटा का, बाल का, बच्चा का, लेकिन नान्य सुतंग तदुपमं जननी प्रसूता, प्रसव पीड़ा सहतर बेटा का जन्म, बेटी का जन्म होता, लेकिन लास्ट पंक्ति में दिखाता है प्राचीव दिग जनयंती सुरदंश जाल, जैसे पूर्व दिशा ही सूर्य का जन्म देती है, दूसरी कोई दिशा जन्म सूर्य का नहीं होता, इष्ट सूर्य उदय होता है इष्ट में, ऐसे भगवान ऋषभ की माता कौन, मारू देवी, मारू देवी जैसी माता जगत में बीजी कोई नहीं हुई कि जिसने दूसरा ऋषभ का जन्म दिया हो, जैसे पूर्व दिशा ही सूर्य का जन्म देती है, ऐसे मारू देवी माता एक ऐसी है हुई कि जिसने ऋषभ जैसा पुत्र का जन्म दिया, और ये परमाणु, वो शरीर का परमाणु भी इतना ही था कि ये शरीर का निर्माण हुआ, दूसरा ऐसा परमाणु विश्व में नहीं था, तो उनके जैसा दूसरा बेटा कौन उत्पन्न कर सकता है, कौन कैसे होता है, ऐसे अपने जीवन में अपने को जो अनुभव करना है, ऐसा अनुभव करना है, अपनी परम चेतना को हमको जगाना है, और हमारी चेतना जो जाग जावे वो एक काम सही अर्थ में होता है, एक बेटा ऐसा होता है हजारों लाखों करोड़ों तो भी नहीं कुछ कर सकता, और एक हजारा और लाखें बिखारा हो जाता है, ये कैसे होता है, ये ज्ञान उपकार के ऋण से उसको मुक्त होना था इसलिए पहुंच गया, उपदेश ऐसा उपदेश उसने बात किया, वो लोग 5 लोगों के सामने और लोगों के भीतर में बदलाव शुरू हो गया, उपकार ऋण संसार में पहला ऋण है माँ बाप का, दूसरा ऋण है सेठ का, तीसरा ऋण है गुरु का, ये थानंग सूत्र में तीसरे थाने पर वो बात चली है, 3 प्रकार का उपकार उसका ऋण, कभी भी ऋण हाँ चुका सकते हैं, जो ऋण से उऋण होता चुका सकते हैं, लेकिन ऐसी मूर्छित अवस्था में होता है तो ऋण कभी चुकता है, और ऋण मुक्त नहीं होगा तां तो मुक्ति नहीं होगी निश्चित, ऋण से मुक्त हो वही व्यक्ति का निर्वाण होता, जहां तक ऋण ऊपर है बोझा कर्जा तां तक उसकी मुक्ति संभवित नहीं है, माँ बाप का ऋण कैसा है कितना है, व्यवहार धर्म में ये व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म तो आगे फिर चलता है, लेकिन व्यवहार धर्म अपना वर्तमान में कैसा है, ऋण से मुक्त, बुद्ध जैसी व्यक्ति जिसका ऋण था वो ऋण से मुक्त होने के लिए वो चला गया, उपदेश किया माँ बाप का ऋण, 9.25 मास माँ उसका वजन सहन करती है,
पालन फिर जन्म होता है, पालन पोषण करती है, बड़ा होता है, कैसी हालत होती है बच्चा की। एक मनुष्य का बच्चा का ऐसा लालन पालन होता है, तेरी अंतराणी एक तो जन्म के साथ उसकी माँ उसको साफ कर देती है चाट चाट कर, कोई स्नान नहीं कराता, कोई संभालता भी नहीं, घर में पालतू पशु का भी जन्म हुआ तो कोई बच्चा को स्नान नहीं कराता, उसकी माँ गाय हो के भैंस हो उसको चाट चाट कर साफ कर देती। ये चाटने में उसकी माँ की ऊर्जा उसको इतनी मिलती है तो वो बच्चा 1 घंटा में खड़ा हो जाता, ऊर्जा मिलती है चाटता किस लिए, बच्चा को चाटती है जीभ से और कैसा गंदा होता है। जब जन्म होता है मनुष्य का के प्राणी जगत का तो वो कैसा होता है, अशुचि वही तो उसको चाट चाट कर साफ कर देती है, एक जीभ से चाटती है, उसी से वो बच्चा को ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, इतना सशक्त हो जाता, खड़ा हो जाता, 1 घंटा ही नहीं लगता और फिर उसको कैसे मालूम हो जाता कि दूध यहाँ है। जन्म के साथ वो बच्चा तो नीचे गिरता है, कोई गिरता नहीं है, फिर वो चाट कर साफ कर दे, खड़ा हो जाता, उसको खड़ा करने वाला भी कोई नहीं है जंगल में, फिर वो दूध कहाँ है उसको कैसे मालूम हो जाता है, कोई उसको पकड़ कर वहां पर नहीं ले जाता, खुद पहुंच जाता है, तो ऐसे मालूम कैसे हो गया। इसका नाम संगना, होश तो है ही नहीं, नहीं मनुष्य में है नहीं प्राणियों में है, संगना कितनी प्रबल है। शुदा भूख एक कैसा है, इन भीतर में भूख लगी है तो व्यक्ति वो जीव कैसे दूध ढूंढ लेता है, घास तो चारे ओर है उसकी ओर लेकिन घास खाने की उसकी क्षमता नहीं है, खाना सीख गया, फिर वो खाना सीख गया बच्चा दूध पीते पीते उसको खाना खाना सीख गया, फिर उसका संग साथ सब छोड़ देता है। लेकिन उसको बताते हैं कौन, संगना, तो संगना कितनी प्रबल है, कैसा है। ये चीज अपनी भीतर में हम जो देखे तो माँ बाप का ऋण कितना है। शास्त्र तो यहां तक बोलते हैं कि तुम चाहे ऐसी सेवा करो, चाहे ऐसी किसी छतरी पलंग में सुलाओ, फूल की सया में सुलाओ और उसका जो बोले वो सब एक एक शब्द उठाओ और उसका बलगम निकले हाथ में झील लो और आपकी चमड़ी का मोजड़ी बनाकर पिला दो तो भी उपकार से ऋण नहीं होता, ऋण नहीं होता। इतना ज्यादा तो बहुत हो गया ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया ऐसा तो, लेकिन हो सकता है ऐसी व्यक्ति भी हो सकती है, लेकिन वो तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन सामान्य सेवा का भी टोटा है तो ऐसी सेवा कौन करेगा। ये ऋण, ये माँ बाप का ऋण कितना है, वैसा है, लेकिन उसको बड़ा का होता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ करता है, उनसे हो जाता है, तैयार हो जाता है और शादी विवाह हो जाती है, फिर क्यों ऋण चुकाने का भूल गया, याद नहीं है, क्यों भूल जाता, कैसा होता, मजबूरी से करे अलग है, भाव से होता है। मजबूरी से तो हर व्यक्ति हर क्षेत्र में वो काम करती है, लेकिन सावधानी के साथ, होश के साथ, भाव के साथ, और भाव के साथ जो व्यक्ति सेवा 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 है, लेकिन शारीरिक सेवा है, मानसिक सेवा है, आध्यात्मिक सेवा है। शारीरिक सेवा भी बहुत कमजोर देखने में आती है तो मानसिक सेवा और आध्यात्मिक सेवा बहुत दुर्लभ है। सेवा धर्म परम गहनो योगी ने अपगम्य, सेवा धर्म कोई इच्छा अपेक्षा के बिना करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इच्छा वो बीच में आ जाती है, इच्छा वो रुकावट कर देती है, संगना वो व्यक्ति को भगा देती है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे हो जाता। तो ऐसी सेवा माँ बाप की करे तो भी ऋण से ऊण नहीं होता है, कैसे होता है, आपके पास जो है सब अरबों खरबों उसकी पैर में रख दो तो अभी उसके ऋण से मुक्त नहीं होंगे,
मुक्त होना हो तो ज्ञानियों ने उपाय दिखाया है, लेकिन वो तो खुद में होना तो काम होता है, वो माँ बाप को स्वभाव रूप धर्म तक पहुंचा दो। धर्म कैसी ऊंचाई है, कैसी ऊंचाई तक व्यक्ति को ले जाता है धर्म। ये धर्म स्वभाव रूप धर्म वो माँ बाप को वहां तक पहुंचा दिया तो ऋण से क्यों मुक्ति होती है? ऋण से, धर्म से, संपत्ति से नहीं। आप कुछ भी करो, दिन रात उसकी सेवा करो 24 घंटा, तो भी ऋण से मुक्त नहीं होगा। उसका स्वभाव संभाल लो, कुछ भी कर लो तो भी, लेकिन धर्म तो सेवा करने वाली व्यक्ति धर्म तक पहुंची है तब तो सेवा होगी। धर्म तक नहीं पहुंची हो तो औपचारिक होगी, लाज शर्म से होगी, लौकिक शर्म से, लोक व्यवहार से होगी, भाव से नहीं होगी। और भाव से नहीं होगी तो पुण्य नहीं होगा, तो धर्म कैसे होता? तो धर्म तक जो पहुंचा दिया तो ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाते। क्यों? दुख का कारण मिल जाता है दोनों का, सेवा करने वाला और जिसकी सेवा कर रहा है, दोनों का दुख का कारण मिल जाता। दुख नहीं, दुख का कारण इसी है सेवा। तो ऋण से मुक्त तो माँ बाप का ऋण इतना है, इतना है कि जगत में कोई उसका ऐसा जैसा उपकारी पहले नंबर ए है। दूसरा नंबर में सेठ का उपकार, बिल्कुल सामान्य परिस्थिति से कोई व्यक्ति आया, पहने कपड़े कुछ नहीं है पास, एक टाइम खाने का भी कुछ व्यवस्था नहीं है, इसी हालत में कोई सेठ की दुकान में काम करने के लिए रख लिया। काम किया, झाड़ू लगाना, पट्टा मारना, पानी भरना, जो कस्टमर आए उसको पानी पिलाना, दुकान के होटले पर सो रहना, होटल में लॉज में जम खाना खा लेना। पगार कितना? 10 रुपया। कितना? रोज का नहीं, महीना का। 10 रुपया महीना का पगार। ऐसे में बॉम्बई में बहुत लोगों को देखा और वो लोगों ने हमारे सामने बोला, अभी तो करोड़ोंपति है, मरीन लाइन पर बंगला है, लेकिन ऐसी हालत में आया, फिर के शरीर से एकला कपड़ा पहने, दूसरा बैग बिस्तरा कुछ नहीं, बेताला जी कहाँ रहना, कहाँ खाना, क्या करना, वही प्रश्न। लेकिन लक्ष्य क्या? कमाना है, कुछ कमाना है। कैसा लक्ष्य होता है, कैसा भाव होता है, तो कहाँ तक पहुँच जाता है। तो सेठ के दुकान में मुलजी जेठा मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है कपड़े की, वहाँ पर एक सेठ की दुकान में वो आदमी रख लिया। इवान था, काम करना था, कमाना था, लक्ष्य एक कमाना। 10 रुपया महीना का तो उसके लिए बहुत हो गया, 5 रुपया महीना का खर्चा खाने का, 5 रुपया माँ बाप को भेजे। और वहाँ पर अभी ऐसी व्यवस्था किया है दशाश्री माली सौराष्ट्र संघ ने, चिरा बाजार में अपनी जैन भाइयों के लिए खाना खाने की एक व्यवस्था बनाई है, महीना का 30 रुपया, 2 टाइम खाना खाना, सुबह में और शाम 2 टाइम, 30 रुपया में। कितना आदमी खाना खाता है? 1500-2000। और खाना टेबल कुर्सी पर, सब गरम गरम, कैसी व्यवस्था? 30 रुपया महीना का। वो तो ऐसा ही आशीर्वाद रूप है, और लोग बहुत बहुत उसका बहुत दूर से आता है, विरार, बोरीवली, उसी से आगे आगे से आता है। तो वहाँ मरीन लाइन स्टेशन उतरता है, वहाँ से बीच में रास्ता है, वहाँ से सीधा है लॉज में पहुँच जाता और खाना खाकर ऑफिस पहुँच जाता। ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है, इतना आशीर्वाद रूप है। तो ऐसी ऐसी व्यक्ति आई और ये दुकान में रही, ऐसा काम करने लगी, ये कमाना है, कैसे कमाना है। सेठ देखता था कि है आदमी अच्छा, ओ बैठता नहीं, काम करता रहता, उसका तरवराट रुचि हर व्यक्ति को देखने, धर्म की रुचि कितनी वो भी देखने में आ जाती। आपके भीतर सुस्ती है तहाँ तक धर्म नहीं होगा, सुस्ती नहीं उड़ेगा तहाँ तक स्वभाव रूप धर्म तक नहीं पहुँचेगा। प्रमाद, ये प्रमाद से ही व्यक्ति रुक गया है, हर व्यक्ति। और प्रमाद तो कितना है, समय अपना सारा सारा जीवन का 99%
प्रमाद में ही वह सार हो जाता। सारा जीवन नन्नानु टक्का, एक टक्का अपना प्रयोजनभूत प्रवृत्तियों चलती है, फिर काम करता है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, बिल ठीक काम करता है। सेठ ने देखा कि आदमी तो अच्छा है, फिर उसको बोला कि हमें अभी तुम दुकान में अंदर काम करना, जो लोग आए ना उसको जो कपड़े का बड़ा बड़ा वो होता है ताता, वो नीचे बोले ऐसा तू नीचे उतारना, बस देखा तुमको देखा ना नीचे उतारना, फिर वो काम सौंपा। फिर दुकान में प्रवेश हुआ, मुनम बैठा है, हिसाब लिख रहा है, समय मिले तो मुनम की बाजू पर क्या करता है, तो फिर उसको कचरा फेंकने को भेजता है, वो चिट्ठी फाड़ कर जो जो चिट्ठी आती है ना लिख कर, फिर कचरा हो गया ना तो व्यक्ति रखता है संभाल कर। जब दुकान बंद होती है तो रात में सब चिट्ठियों एक एक कर कर पढ़ता है कि हे क्या उसमें क्या लिखा है, कैसी रुचि है, स्वभाव रूप धर्म की ऐसी रुचि है। म्युनिसिपाल की लाइट से वो ओटला पर बैठा बैठा वो एक एक चिट्ठी एक एक मिलाकर पढ़ता है कि क्या माल कैसे आता है और माल कैसे बिकता है। व्यापारी का लड़का था ने, कमाने के लिए पहुंचा था ने, कैसा भाव, इस सेठ का उपकार कैसा होता है और वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, कैसी कैसी व्यक्ति होती। फिर मुनम का भी वो अच्छा बन गया, मुनम की भी सेवा करने लगा, कोई भी मुनम बता ना नहीं बोलता, कोई भी काम बोले कर देता था। व्यक्ति प्रिय नहीं है, व्यक्ति का काम प्रिय है। व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है तो क्या उसकी पूजा करना, आरती उतारना तो क्या करना, रूप रंग ढंग हाइट वाइट बहुत अच्छा है तो क्या करना, काम उसका कैसा है, काम कैसा कर रहा है, तो काम से सब जीव दूसरों को प्रिय हो जाता है और काम बोलता है। और व्यक्ति तो फक 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 बोलता रहता तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, काम बोलता है, मौन रहकर काम करता है तो काम बोलता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन व्यक्ति कोई भी काम करे तो बोलने के बिना रह नहीं सकता, वो बड़ा रोग है। सेठ ने भी उसके पर थोड़ा भाव हुआ, सेठ भी बाजू में बैठा कर उसको समझाता था अकाउंटर कैसे काम करना। बहुत आगे चला, सेठ ने सोचा कि आदमी बहुत काम का है, काम करेगा बराबर करेगा। फिर उसका पगार जो 10 रुपया था ना 12 रुपया गया। केतन भाई आप होटल में जाते ना इतवार को क्या करना, हम शाम को फैमिली के साथ कितना बिल होता है, 12 रुपया होता है, 12 जना गया कि 4 जना गया कितना बिल होता है, क्यों 12 रुपया महीना 2 रुपया बढ़ गया, इतना खुश हो गया कि बहुत मेरा काम हो जाएगा। सेठ भी खुश, वो भी खुश, काम इतना सुंदर कर रहा था, इतना सुंदर काम कर रहा था। फिर वो व्यक्ति मुनम बहुत बुढ़ा हो गया था, रिटायर होना मांगता था, सेठ ने बोला कि उसको सिखा दे सब, एक काम तू जो कर रहा है उसको सब सिखा दे, फिर तू जाना हो तो जा, उसको तैयार कर दे। और उसको लगन थी, रुचि थी, इतनी लगन रुचि थी सीखने की, काम करने की उम्मीद भीतर में, जो बोलता सब 2-4-6 महीना में तो तैयार हो गया। मुन्नम को भी बोले कि यहाँ एक गलती जैसा नहीं लगता है साहब, रुचि क्या काम करती है। मुन्नम बोला कि अभी तो तैयार हो गया। सेठ को बोला कि साहब ये तैयार हो गया, अभी मुझे रिटायर कर दो। आके बराबर है तो क्या, हाँ बराबर है, और रिटायर हो गया, मुनम बना दिया, पट्टा वाला से मुनम हो गया। ऐसा काम करने लगा दिन रात, जो बोले वो काम, ना ही नहीं। एक साल पूरा 15 रुपया पगार हो गया,
क्या करना। सेठ देखता था कि वो सारी दुकान संभाल लेगा, भविष्य में सारी दुकान का वहीवट वो करेगा, इतनी ही उसकी पास शक्ति है, ताकत है और रुचि है। सेठ ने परख लिया व्यक्ति को कि बराबर काम करेगा। एक साल के बाद सेठ ने उसको बोला कि तेरा पगार 20 रुपया। कितना? 20 रुपया महीना का और 2 पैसा भाग। दुकान में 2 पैसा भाग और 20 रुपया पगार तेरा। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि भाग्य खुल गया मेरा। कुछ नहीं था, हाथ पग से आया था सिर्फ, और यहाँ तक पहुँच गया। सेठ का कैसा उपकार, ए सेठ का उपकार कैसा होता, और फिर कैसा करेगा। समय आ रहा है, समय तो अपना रुकेगा नहीं। और वो बुद्ध, ये पांचों पांच सहयोगी मित्र को उपकार ऋण से मुक्त करने के लिए पहुँच गया। उसके जीवन में ऐसी घटना घट गई पांचों के भीतर में, को पांचों पांच बोधि को प्राप्त हो गया। जब वो प्राप्त हुआ तब वो लोग पांचों पांच उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम। कैसा उपकार है, हमने तो उसको छोड़ दिया, लेकिन वो व्यक्ति सामने से आया और हमारे पर कैसा उपकार किया, कैसा उपकार किया। बुद्ध बोला कि मैंने उपकार नहीं किया, मेरा ऋण से मैं मुक्त हुआ। बुद्धत्व वो प्राप्त हो गया। 12 साल बीत गया और फिर बुद्ध सुदोधन के दरबार में आया। समय पूरा हो गया है, अपना काम करना है। बुद्ध का, सेठ का, फिर तीसरा नंबर है याद रहा गुरु का। पहला माँ बाप का उपकार, दूसरा सेठ का, तीसरा है गुरु का। इन सेठ का उपकार कैसा होता है, और ये व्यक्ति, ये तो बनी हुई घटना है, ये कल्पना नहीं है। ऐसे लोग बहुत मुझे, मैं बम्बई में था कांदावाड़ी, तब कांदावाड़ी उपाश्रय में सोते लोग और वहाँ जैन भोजनालय में खाना खाते, ऐसे 2-4 करोड़पति व्यक्ति वो खुद बोले कि हम यहाँ आए तब यहाँ सोते थे, कुछ नहीं था, लेकिन अभी कहाँ तक पहुँच गया। ऐसी कैसी अवस्थाएँ होती है, लेकिन ये व्यक्ति की जो सेठ का जो उपकार, और वही व्यक्ति के उपकार कैसा, उसके सेठ की कैसी सेवा किया और कैसा भाव से किया, एक काम तो अपना वर्तमान में जो उपकार व्यक्ति के भीतर में जो देखने में आए तो काम कर सकता है। उपकार देखने में नहीं आए तो व्यक्ति की क्या अवस्था होती है। तो अभी अपना काम, वो लड़की क्या, कितनी सुंदर, कितना उपाय ढूंढा उसने, कोई बोलने के बिना, कुछ करने के बिना। ससुर तो चंडाल था, चंड भयंकर स्वभाव से, सभी प्रकार से, घर में कोई व्यक्ति उसके सामने चूचा नहीं कर सकती, वो बोले वही होना, ऐसा स्वभाव ससुर का। लेकिन ये बहू, ऐसी बहू आई, ऐसी कोई घर में व्यक्ति आती है तो घर स्वर्ग हो जाता है, और कोई घर में ऐसी कोई व्यक्ति आते घर नरकागार बन जाता है। कैसी कैसी व्यक्ति की अवस्था होती है, कैसी कैसी हर हालत में व्यक्ति की हालत कैसी बदल जाती है क्षणों में। बोले पिताजी ये तो आपका उपकार है, मेरा कुछ नहीं है, कैसा भी नहीं, कैसा भी नहीं, ये मेरा कुछ नहीं आपका है, आपके घर में आकर मैं सब कुछ सीखी हूं। कोई सिखाने वाला नहीं था, जिसको सीखना हो सब जगह से सीख सकता, और नहीं सीखना हो तो सामने सिखाए तो भाग जाता, नदारद हो जाता कि तो कठिन है मेरे से नहीं होता, तो कैसे होगा। जहाँ तक व्यक्ति को करना ही नहीं है और भीतर में जागना ही नहीं है तो काम कभी नहीं हो सकता, अपना काम करना है। तो लड़की, घर के मेन व्यक्ति उसकी ओर इतना भावुक हो गया, इतना भावुक हो गया, तू जो बोले मैं करूँगा। कैसे भाव बदल गया, ससुर का भाव बदल गया उसकी पुत्रवधु की ओर, कि तू जे बोले मैं करूँगा, मुझे तू तेरा जो सजेशन होगा ऐसे मैं सब कुछ करूँगा और सारा घर को तो ठीक बना दे। कैसा आया काम, कैसे हुआ, उसका भी नहीं, इतना भी नहीं, इतनी सरल, इतनी धीरजता से, इतना वर्षों तक एक काम किया तब ये परिणाम आया। व्यक्ति तो बोला कि अभी तो अभी कैसे होता है,
तेरे में समता और धीरज नहीं है देखने की है, सुनने की, तो ये काम थोड़ा हो सकता है। जिसके पास देखने की और सुनने की समता धीरज हो और सामने वाले व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं वो देखेगा तो मालूम हो जाएगा धीरे 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 उसको कैसे लाइन पर ला दिया और कैसा उस ससुर को काम करेगा और कैसा सारा घर का वातावरण बदल जाएगा। यहाँ ए नौकर अभी कैसे सेठ हो जाएगा, नौकर सेठ हो जाएगा और सेठ कैसे काम करेगा, उसकी और कैसा भाव था, कैसी कैसी अवस्था। और मरीन लाइन पर अभी भी बंगला है, ये बात बढ़ाना है आगे चलेगी, लेकिन वो सेठ का बंगला उसका बंगला हो गया। कैसा व्यक्ति कैसे आया था, कैसा भाव था, कैसा कमाना था, कैसा काम करना, तो कहाँ पहुंच गया, सेठ का उपकार, पहला माँ बाप का, दूसरा सेठ का, तीसरा, ये तीन उपकार के ऋण से जहाँ तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता है तहाँ तक अपना काम होता नहीं। अपना काम जो करना हो वो आत्मा का काम जो करना हो तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस से जो व्यक्ति चलेगा तो सचमुच काम हो जाएगा। अपना जो जो आप लोग सुन रहे हैं और सुनते सुनते भीतर में ऐसी रुचि प्रकट हो और ऐसा जागरण अपने भीतर आ जाए तो सचमुच ये मनुष्यत्व प्राप्त होगा, और मनुष्यत्व जो प्राप्त हो गया तो सचमुच अपना कल्याण ही कल्याण, अपने कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए पहला कदम है मनुष्यत्व। ये मनुष्यत्व जिसको प्राप्त हो गया सचमुच आगे बढ़ेगा, एक दफा निर्वाण तक पहुंच जाएगा, वो अपना लक्ष्य है, ये अपना भाव है और ये अपना वर्तमान में जीने का जो लक्ष्य बनेगा, तो सचमुच व्यक्ति सभी से मुक्त होकर स्वरूप में समा जाएगा। स्वरूप का आनंद, स्वरूप का सुख, निजानंद जो है वो अनुभव में आएगा, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये सारी प्रकृति तो इतनी नेगेटिव, इतनी गंदी है, अपना शरीर से नौ द्वार से जो चीज बाहर आती है वो सब असुचि बोली जाती है। दूसरी दफा व्यक्ति उसको हाथ लगाना मानता नहीं और लगाएगा भी नहीं, अकस्मात लग गया तो व्यक्ति कैसे साफ कर देता है। उसी से भी ज्यादा गंदी जो कोई चीज हो तो अपनी नेगेटिव प्रकृति, ये प्रकृति के हिसाब से हम बोधि तक नहीं मनुष्यत्व नहीं तो फिर आगे यात्रा कैसे चले। तो प्रकृति से हमको बाहर आना है, उसी से जो बाहर आएगा ऊपर उठेगा तो अपना काम होगा। एक काम करने के लिए सब आत्मा तैयार हो जाए, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव वेद अवसर पर चदारी मंगलंग 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 स्वाहु मंगलंगेली वनंदोदूंगलंग जदारी लघुधमान यंदा लघुधमान दा लघुधमान स्वाहु लघुधमान शरण भव जामी सिदा शरण भव जामी साहु शरण भव जामी।